तो अब आप अगली हेडिंग डालिए, पैरालिप्सिस। आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बचपन से, जब से अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, तो एक डायलॉग आपको सुनाई पड़ा होगा हमेशा। और वो डायलॉग क्या था, मैं बताता हूं। जब भी कोई फंक्शन या प्रोग्राम होता था, मैं उसी फंक्शन और प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, जहां पे कोई एक लड़का एक लड़की आप चुन लेते थे एंकर के लिए, और कोई फंक्शन है, कोई चीफ गेस्ट आता था, और फिर वो एंकर और उनके अलावा एक टीचर भी एंकर होता है वहां पे या होती है, और वो चीफ गेस्ट के बारे में टीचर बोलती है कोई जनरली, तो वहां पर एक शब्द आपने सुना होगा कि टुडे वी हैव ऑनरेबल दिस दिस दिस, ठीक है, विद अस वी थैंक्स हिम फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट बिकॉज ही हैज ग्रेस्ड द ओकेजन टुडे विद हिज बिनाइन प्रेजेंस, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा डायलॉग जिससे मुझे हमेशा से चिढ़ती, और वो डायलॉग था, एज फार एज ही इज कंसर्न ही डजेंट रिक्वायर एनी इंट्रोडक्शन। सुना ये वाला, यस जो यस हमारे बीच में मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये सुना है। यस सर और उसके बाद जो उनका परिचय दिया जाता था अगले 15 मिनट तक, ठीक है, कि इन्होंने इतने सन में ये किया, ये यहाँ गए, वो वहां गए, वो वहां गए, और शुरू में कह दिया जाता था, जहां तक सवाल है इनका, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं। अब परिचय के मोहताज नहीं है, और लेकिन फिर उसी चीज को आप कर रहे हो, खूब भयंकर परिचय दे रहे हो उनका, ठीक है। तो बेसिकली हम अपने घरों में भी ऐसी चीजों को करते हैं, जैसे आप कहोगे कि मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी चीज, और वही चीज करोगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो पैरालिप्सिस है वो भी कुछ इस तरीके की ही बात है, ठीक है, कि इस फिगर ऑफ स्पीच को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक ओकेजन्स में, जहां एक इंट्रोड्यूसर कहता है कि एक स्पीकर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और फिर उसका खूब जबरदस्त इंट्रोडक्शन देते चला जाता है। तो ये बेसिकली क्लासिक लिटरेरी एग्जाम्पल में भी ऐसा होता है। अगर मैं सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल दूं, तो वो एग्जाम्पल है जूलियस सीजर का, ठीक है। जूलियस सीजर के अभी एक एग्जाम्पल में लेके चलता हूं, पहले मैं पैरालिप्सिस की थोड़ी यहां पर नोट्स लिखवा देता हूं। तो पैरालिप्सिस के पहले पॉइंट को लिखो, दिस इज मोस्टली यूज इन पब्लिक ओकेजंस। Someone says that he need not or will not say something then proceeds to do so कहता है मैं ये नहीं कहूंगा या ये इस बारे में कुछ कहना जो है अभी जरूरी नहीं समझता, और वही चीज कहते चला जाता है। एक कहता है मेरे इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वो वही इंट्रोडक्शन दे से चला जाता है। तो पैरालेप्सिस का मतलब बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि आप इसको, ये लैंग्वेज का एक ऐसा डेकोरेशन है, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा डिवाइस है, जिसमें आप अपनी स्पीच को ज्यादा फोर्सफुल बनाने के लिए और ज्यादा चालाकी से डिस्क्राइब करने के लिए पैरालिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं।
तो सबसे बढ़िया चालाकी इसमें दिखाई देती है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है जूलियस सीजर जैसे क्लासिक का। तो प्रोसीड्स लिखा है वो। प्रेसीड्स, हाँ सॉरी प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, प्रेसीड तो सर पहले इसमें आने वाला हो लूडोटी गया, थोड़ा सा। डबल ई है, डबल ई। जूलियस सीजर में, अगर आप में से सबने पढ़ी है जूलियस सीजर, ठीक है, उसमें जबरदस्त तरीके से पैरालिप्सिस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वो थर्ड एक्ट को याद करो, उसके थर्ड एक्ट को बताओ, थर्ड एक्ट में क्या है जूलियस सीजर के? मार्क एंटोनी की स्पीच है, जो बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच है, मुझे आज भी याद है कि जूलियस सीजर सीबीएसई में हुआ करता था जब मैं पढ़ाता था, तो हम एक जूलियस सीजर के छोटे से चैप्टर को जितना भी दिया था उसको करने में 7 दिन लगाता था मैं। मार्क एंटोनी की स्पीच को 2 दिन में खत्म करते थे हम लोग, पूरा उसका रस लेके, उसके जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो 10th 11th जहां भी होता था, वो बच्चे उस जूलियस सीजर के खत्म होने के बाद शोक मनाते थे कि और चलता एक कास्ट चैप्टर। तो मार्क एंटोनी की स्पीच बहुत ही ज्यादा गहरी स्पीच है। तो वहां पर वो जब शुरू करता है, रोमन कंट्री मैन एंड माई फ्रेंड जो भी होता है, तो फिर उसके तुरंत बाद कहता है आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ये कहता है वो, है आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। ऐसा कहने के बाद आगे जो वो बोलता है, वो उसको प्रशंसा ही करता उसकी, एंड देन ही प्रोसीड टू प्रेज हिम। ठीक है, तो सीजर को इतनी प्रशंसा करता है वो। बेसिकली होता क्या है, ब्रूटस ने पहले ही कह दिया होता है जो मैं मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि वो जानता था कि एंटोनी भड़का सकता है और वो बहुत बढ़िया ओरेटर है। तो एंटोनी बहुत चालाकी से अपनी स्पीच का इस्तेमाल करता है। वो बेसिकली कहता रहता है आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, और फिर उसकी कुछ घटनाएं सुनाता है, वो अपने आप में उसकी प्रशंसा में ही होती है। और बीच बीच में ये भी कहता रहता है कि ब्रूटस डिड राइट, ब्रूटस ने अच्छा किया सीजर को मार के, और सीजर तो ऐसा था कि उसने इतना सभा के सामने 3 बार उसको राज्य सौंपा गया, राजा का क्राउन दिया गया, उसकी बात हुई, उसने ठुकरा दिया, ठीक है। बट ब्रूटस डिड इज एन ऑनरेबल मैन, तो ब्रूटस कैसे गलत हो सकते हैं? तो सीजर जो है हमारा देशद्रोही माना जाएगा, इसलिए उसे मार दिया गया। फिर और फिर प्रशंसा करेगा और फिर कहेगा कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। तो बेसिकली वो भीड़ को बड़ी चालाकी से भड़काता है, ठीक है। तो वैसे ही आई केम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम से शुरू करता है, क्योंकि ब्रूटस ने उससे कहा है कि सीजर की कोई बात नहीं होनी चाहिए, और फिर वो सीजर के बारे में प्रशंसा करते चला जाता है। तो ये चालाकी भरे जो है पब्लिक गैदरिंग में, वो बहुत ही चालाकी से भीड़ को ब्रूटस के खिलाफ करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ब्रूटस, वो अकेला था उस समय, और ब्रूटस और ये सब लोगों से उसको जान का खतरा था। लेकिन जब भीड़ उसके साथ टर्न हो जाती है, फिर तो ब्रूटस लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तो ये बेसिकली पैरालिप्सिस होता है, जिसमें जो हम कहते हैं कि ये नहीं करेंगे, उसी के अपोजिट हम करते चले जाते हैं, जो हम कह रहे होते हैं वही नहीं करते हैं, और उसी को रिपीट कर देते हैं जो हम नहीं करने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं के बाद? ठीक है, तो ये था आपका पैरालिप्सिस। अब आते हैं हम, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं ओनोमोटोपोइया, और एक होता है सर्कमलोक्यूशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टेटमेंट। ये 3 चीजों को हमने करना है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं अंडरस्टेटमेंट में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है अंडर स्टेटमेंट, आता भी है। सर एसोनेंस और कौन, हाँ वो भी आएगा, एसोनेंस एंड कंसोनेंस, इसी को कर लेते हैं आप पहले।
अब एक अंडरस्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, अब होता क्या है कि अंडरस्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है, अगर यह समझ गए तो अंडरस्टेटमेंट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लिया तुम्हारा फ्रेंड रिटर्न करता है, तुम्हारा एक न्यू कोट है, ठीक है, और तुमने उसको वो न्यू कोट पहनने के लिए दिया, मान लिया उसने कहीं के लिए मांगा और आपने दे दिया। उसके बाद जब उसने लौटाया तो उसमें एक स्टेन है, उसमें एक दाग लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और वो सामने की साइड है जहां से वो साफ चमक रहा है। तो अब क्या होता है, आप एक स्टेटमेंट देते हो उसको रिस्पॉन्स में, वो आप कहते हो इट डजेंट लुक टू बैड, ठीक है, आप कहते हो कि बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं हुआ है, ठीक है, आप इतना जब आप कह देते हो कुछ नहीं हुआ है, बस यही थोड़ा खराब ही हो गया या कुछ नहीं हुआ, पहनने लायक नहीं हुआ अगली बार, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बातें करेंगे, तो ये क्या डिफाइन करेगा बताओ, किस चीज को ले जाएगा, ये कैसा कमेंट होगा, आयरोनिकल होगा कि नहीं होगा बताओ। नेगेटिव इन पॉजिटिव वे। हाँ बिल्कुल सही। तो एक अंडरस्टेटमेंट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो राइटर या स्पीकर जब इंटेंशनली किसी सिचुएशन को दिखाते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीम लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, जितना वो इंपॉर्टेंट होती है कोई चीज उससे कम इंपॉर्टेंट दिखाते हैं, तो उसको इसीलिए अंडर कह देते हैं, अंडर स्टेटमेंट। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो ऐसा दिखाते क्यों है, कोई सिचुएशन जैसी रियल में है उससे इसको लेस दिखाएंगे, ठीक है, रियल में सिचुएशन यहां है और आपने यहां दिखाई लेस, ठीक है, तो अब ये जो लेस दिखाई ये क्यों दिखाई, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि वो आयरोनिकल बनाना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है। सर जैसे शोले में अमिताभ बच्चन जाता है धर्मेंद्र का रिश्ता लेकर के, हाँ तो बताओ बताओ क्या ना, शोले में जब अमिताभ बच्चन जाता है ना धर्मेंद्र का रिश्ता लेके मौसी जी के पास, एकदम दुल्हा बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल सही, थोड़ा सा पीता है, हाँ एकदम सही, वो कहता है कि मौसी लड़का बहुत अच्छा है बस कभी कभी थोड़ा पी लिया करता है, ठीक है, वैसे उसके बारे में ये है, हाँ एक आध बार कुछ लोगों को मार डाला था, ठीक है, को इस तरीके की चीजें। तो बेसिकली क्या है कि आप किसी चीज को बेसिकली गिरा रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो और उसमें बेसिकली आयरनी लाना चाह रहे हो, तो एक तरीके से ये बिल्कुल आप समझ लो किसका उल्टा है, हाइपरबोले का उल्टा है। हाइपरबोले में आप बहुत ज्यादा चढ़ा देते हो किसी चीज को, इसमें बहुत ज्यादा गिरा देते हो, ठीक है। जैसे मैं एक बताऊं, ही इज नॉट टू थिन, अगर आप ये कहें, और ये किसके लिए कह रहे हैं आप, एक मोटे आदमी के लिए जो खूब मोटा है उसके लिए कह रहे हैं ही इज नॉट टू थिन, ठीक है, और एक जगह खूब ज्यादा बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है और आप कह रहे हैं इट रेन्ड ए बिट मोर देन यूजुअल, जरा और दिनों से ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, जबकि बारिश कितनी हुई है, भयंकर बाढ़ आ गई है वहां पे, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं थोड़ा सा और दिनों से ज्यादा है, ठीक है। एक ने टॉप कर दिया, स्टूडेंट ने हाईएस्ट स्कोर ले आया, तुमने पूछा क्या रहा, उसने इतना अंडरस्टेटमेंट कर दिया, वो कहता इट वॉज ओके, ठीक था, मतलब सही रहा, तो अब ये है अंडरस्टेटमेंट, समझ रहे हो बात को? यस सर। ठीक है, तो बहुत सारे लिटरेचर में ऐसे अंडरस्टेटमेंट होते हैं जिसमें बहुत बड़ी चीज होती है,
लेकिन उसको दिखाया ऐसे जाता है कि वो बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉवेल्स में अंडरस्टेटमेंट बहुत यूज होता है, नॉवेल्स में, ठीक है, पोएट्री में भी होता है, लेकिन नॉवेल्स में बहुत ज्यादा देखा गया है। क्योंकि जब एक करेक्टर जब किसी से बात कर रहा होता है और वो बातचीत में उसे अंडरस्टेट करना चाहता है, ठीक है, तो अब इस पे जरा पॉइंट्स लिखते हैं। तो लिखो, पहले समझना जरूरी होता है। पहला पॉइंट है, एन अंडरस्टेटमेंट यूजुअली हैज एन आयरनिक इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आयरनिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा आयरनिक इफेक्ट एज, इसी में कंटिन्यू करते हैं, एज एन इक्वली इंटेंस रिस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन सीवियर सिचुएशंस। But the statement in response is the opposite of what was expected, तो ये वही कह रहा है कि एक इक्वली इंटेंस रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया जाता है सीवियर सिचुएशन में, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया जाता है रिस्पॉन्स में वो अपोजिट होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसका। ठीक है, तो ये उसको बिल्कुल लो करके दिखाया जाता है। अब हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे वही ले आते, ही इज नॉट टू थिन, यह है डिस्क्राइबिंग अ वेरी फैट पर्सन। ठीक है, या फिर इट रेन्ड a bit more than usual, ये है describing an area flooded by heavy rainfall। जैसे इसको अंडरस्टेटमेंट को नेता बड़े यूज करते हैं, वो कहते हैं हमने ये कराया और हाँ थोड़ा बहुत कुछ आंदोलन या कुछ दिन किसान आंदोलन ने थोड़ा परेशान जरूर किया, कहेंगे मान लिया कुछ दिन। अब आपको पता है कि किसान आंदोलन कुछ दिन चला या कितने दिन चला, दुनिया के सबसे बड़े किसान मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया ये इंडिया का किसान आंदोलन। और वो कह देते हैं हालांकि कुछ दिन किसान आंदोलन ने असंतोष जाहिर किया किसानों ने कुछ दिन, और फिर वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये कुछ दिन जो है ये अंडरस्टेटमेंट है। ठीक है, हमने बहुत विकास कार्य के, कुछ जगहों पर हम जो है इसमें असफल रहे कहेंगे, तो वो कुछ जगहें नहीं होती है बल्कि वो हजार जगहें होती है। तो अंडरस्टेटमेंट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं पॉलिटिशियन भी। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा आपको। हो गया कि नहीं हुआ?
यस सर क्लियर है। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट। अंडर स्टेटमेंट का अगर कोई उल्टा कहे तो वही कहना कि हाइपरबोल। ठीक है अब नेक्स्ट जो लेके आ रहे हैं वो एक और जो छोटे उसमें है ओनोमेटोपोइया तो हमारा हो गया शायद। नो सर। ओके तो लिख लो ओ एन ओ ओनोमेटो पी ओ ई आई ए। ये पोएट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया आखिर क्या चीज है? बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है शुरुआत आज के दिन से ही करते हैं। जैसे कि आज बारिश का दिन है तो बारिश की जब बूंदें किसी सरफेस पे पड़ती हैं रेन और जनरली वो एक आवाज करती है। हिंदी में हम उसे कहते हैं आवाज को कहते हैं तड़ तड़ तड़तड़ाहट। सुना है तुमने? यस सर। सुना है कि नहीं? इस आवाज को इंग्लिश में बदल सकते हो तुम? क्या कहोगे तड़तड़ाहट को या तड़तड़ को? पीटर पैकर प्लिप 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 क्या सब प्लिप प्लिप क्लैटर पीटर पैटर कहते हैं प्लेटर कहते हैं पीटर पैटर कहते हैं मुझे लगता है। ठीक है एक बचपन में एक राइम भी हुआ करती थी मुझे ऐसा लगता है द पीटर पैटर ऑफ द रेन कुछ ऐसा ही। ठीक है तो अब जैसे ही कोई पीटर पैटर ऑफ द रेन कहेगा तो हमें वह आवाज का आभास होता है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि द कोई एक और साउंड लाते हैं हिस ऑफ द स्नेक हिस ऑफ द स्नेक तो ये जो हिस वर्ड है वो फिर से किसकी आवाज ला रहा है? जो सांप के फुफकारने की आवाज होती है। ठीक है और कोई और आवाजों का जिक्र करो। ग्राउलिंग कौन करता है? ग्राउलिंग रोर ऑफ लायन रोर भी एक साउंड को दिखा रहा है। ठीक है हाँ बोलो चिरपिंग ऑफ बर्ड्स चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। चिरपिंग भी साउंड को दिखा रहा है। तो बेसिक बात है ये इतना सा ही फिगर ऑफ स्पीच है कि जब भी कुछ वर्ड्स पोएट इस्तेमाल करते हैं और उन वर्ड्स के थ्रू बेसिकली राइम और ये सब बैलेंस करने के लिए वर्ड को लिया जाता है तो वो वर्ड के थ्रू हम कुछ साउंड्स का आभास होता है हमें साउंड्स। तो वो सारी जो वर्ड हैं जो साउंड्स का आभास देते हैं कहीं पर उसे ही ओनोमेटोपोइया बोलते हैं जहां पर भी होता है और बहुत ज्यादा यूज इसका करते हैं। ठीक है तो ओनोमेटोपोइया एक साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है या उसको इमिटेट करता है और इससे क्या होता है चीजें ज्यादा एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बन जाती हैं और हमें किसी भी चीज को समझाने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक है तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं। Defined as a word, that imitates the natural sound
साउंड्स ऑफ ए थिंग, ऑफ अ थिंग. इट क्रिएट्स अ साउंड इफेक्ट दैट मिमिक्स, मतलब जो बिल्कुल नकल करता है, MICS, मिमिक्स द थिंग डिस्क्राइब्ड. Making it more expressive and interesting. अगर आप में से किसी ने नर्सरी क्लासेस की टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा या अपने घरों में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा छोटे से, तो आपको याद होगा कि दो चीजों का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं. एक तो हम आर्म्स एंड पूरे जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी जेस्चर्स, हाथ पैरों के मूवमेंट, आंखों के मूवमेंट, नॉडिंग. और दूसरा इस्तेमाल करते हैं हम ऐसे साउंड्स वाले वर्ड, उससे बच्चा बहुत जल्दी रिलेट करता है. ठीक है, तो साउंड इफेक्ट वाले जो वर्ड हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो चीजों को बड़े एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. तो ये इनके पीछे की जो रीजन है, लॉजिक यही है कि कोई भी साउंड वाला इफेक्ट होता है जो बहुत एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग होता है. इसीलिए तो पोएम्स में, सॉन्ग्स में म्यूजिक आया, क्योंकि उसके बाद वो एक्सप्रेशन और ज्यादा गहन हो जाता है. अगर कोई म्यूजिक किसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो जो बोल रहा है वो और ज्यादा अच्छा लगेगा एक्सप्रेशन. तो ज्यादा एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं. इसलिए आप भी कभी भी कुछ बनाना चाहो तो इसको बड़े आराम से यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं. जैसे द, हम कह सकते हैं द मर्मरिंग ऑफ, कह सकते हैं लीव्स. इसमें क्या हो रहा है कि जो पत्तियों की मर्मरिंग है यानी खड़खड़ाहट है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो आपस में बात कर रही हैं. तो द मर्मरिंग ऑफ लीव्स. ठीक है, और इसी को हम द विस्परिंग ऑफ लीव्स ही कह सकते हैं. ठीक है, बजिंग बीज, बज जो वर्ड होता है, बजिंग बीज, फ्लू अवे. ऐसे ही जो पत्तियों के पैरों से उड़ने की या किसी के पैरों से दबने की आवाज होती है, इधर उधर उड़ने की आवाज होती है, तो रसलिंग ऑफ द लीव्स. तो रसलिंग, बजिंग, मर्मरिंग, ये सब क्या है? ओनोमेटोपोइया. ठीक है, एनिमल्स की साउंड में बहुत सारी होता है, म्यूइंग, ठीक है, नेइंग, ट्वीटिंग, और जो बा है वो शीप के लिए आता है. तो हमें कुछ ओनोमेटोपोइया जो है वर्ड्स भी पता होने चाहिए और इससे हम उसको जल्दी समझ पाते हैं. ठीक है, बस इतना ही है.